अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी बहुत आसान सी रेसिपी है पराठा चिकन। जितनी आसान है उतनी ही मज़े की बनती है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। उसको आप 1 लीटर पानी में बॉईल करने के रख दें। मसालों में इसमें जाएगा 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर करके हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। जैसे ही चिकन अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, इसको कवर करके लो फ्लेम पे 20 मिनट तक पकने के लिए रख दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छी तरह से गल गई है और उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब आपने बिल्कुल लो फ्लेम करके इस चिकन को श्रेड कर लेना है किसी भी कुकिंग स्पून से। चिकन अच्छी तरह से श्रेड हो चुकी है, अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है। अब इस बॉयल चिकन में मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून चॉप्ड हरा धनिया, 1 टीस्पून चॉप्ड ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन। यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप चेडर चीज़। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मैंने इस मटेरियल को पैन में इसलिए मिक्स किया कि पैन के वार्म होने से चीज़ मेल्ट हो जाएगा। इसे कवर करके मैं थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दूंगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है फ्रोज़न पराठा। इस पराठे में मैं चिकन के मटेरियल को फिल करूंगी। बेकिंग ट्रे पे मैंने बटर पेपर लगा के उसे बटर से ग्रीस कर लिया है। फ्रोज़न पराठे को मैंने डीप फ्रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसे बेकिंग ट्रे पे रख दूंगी। चिकन का मटेरियल जो बनाया था मैंने, उसको मैं पराठे के ऊपर डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से चिकन की फिलिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब मैं पराठे के एजेस को कर्व्स लगा लूंगी इस तरह से। पराठे के दोनों तरफ के एजेस को मैंने कर्व्स लगा लिए हैं। अब मैं पराठे के इन कट किए हुए स्ट्रिप्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर लूंगी ताकि चिकन की फिलिंग जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इसको आप इस तरह से फोल्ड करें कि देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी मज़ेदार हो। यहाँ मेरी एक पराठा चिकन तकरीबन तैयार है। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी कि पराठे के अंदर चिकन को किस तरह से फोल्ड करना है। ये मैंने चिकन बच्चों के लिए बनाई थी। बच्चे मोस्टली वेजिटेबल्स नहीं खाते, इसलिए मैंने बच्चों के लिए सिर्फ चिकन और चीज़ का मटेरियल बनाया है। यहाँ मैं आपको फिर से बना के बता दूंगी कि पराठे को चिकन में किस तरह से फोल्ड करना है ताकि चिकन का मटेरियल अच्छी तरह से कवर हो जाए। जो मटेरियल मैंने चिकन का तैयार किया है, उससे आप 5 से 6 पराठा चिकन बना सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने 2 पराठा चिकन तैयार कर ली हैं। अब मैं इन पे थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लूँगी इस तरह से। अब मैं इन्हें बेक करने के लिए ओवन में रख दूँगी, जो कि प्री हीटेड ओवन था। इसको मैं तकरीबन 150 डिग्रीज पे 15 से 20 मिनट तक बेक करूँगी या जब तक इस पे अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रिस्पी पराठा चिकन बिल्कुल तैयार है। इन्हें आप इफ्तार के लिए बनाएं और खूब इंजॉय करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।